एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उससे जुड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। जी हाँ, ये पूरी अपडेट आपको दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रैगो स्टडी। तो देखिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है एचएसएससी की, वहाँ पर आपको पब्लिक नोटिस का जो सेक्शन है, ठीक है, पब्लिक नोटिस का जो सेक्शन है वहाँ पर नोटिस मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आप ये नोटिस पढ़ सकते हैं। तो ये नीचे इंग्लिश में दिया है, यहाँ पे हिंदी में दिया है। तो यहाँ पे आपका जो PST होगा या जो PMT होगा, यानी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, यानी कि स्क्रूटनी, वो सारी उनके बारे में यहाँ पे जो नोटिस हो भेजा हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या कुछ डिटेल इसमें है। तो देखिए, इस नोटिस में इन्होंने बताया है कि उम्मीदवार जो अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट, PMT और दस्तावेजों की जाँच के लिए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, प्रवेश पत्र पर आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर अपना कलर फोटोग्राफ चिपका कर लेके आएंगे, जो कि अटेस्टेड भी करवाना पड़ेगा किसी गैजेटेड ऑफिसर से, और जो है फोटो युक्त ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी आपकी ID जरूर होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आपका वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। और अब यहाँ पे और देखिए कि आपके पास मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या किसी प्रकार की घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, चेन आदि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अपना ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड है वही लेके जाना है, फोटोकॉपी मत करवा के लेके जाना, ताकि क्लियर वो होना चाहिए, और कोशिश यही करना कि कलर एडमिट कार्ड आप लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ में देखिए, एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई, यह भी संज्ञान में आया कि कई उम्मीदवारों ने पुलिस विभाग की विभिन्न श्रेणियों में आवेदन किया है। आपको पता है कि कमांडो की भी भर्ती इसमें थी, एक और एक SI की है, और फिर कॉन्स्टेबल की है। तो अगर मान लीजिए आपने तीनों के लिए ही अप्लाई किया है, तो यहाँ पे ये बात इसमें यही बताई है इन्होंने कि अगर आपने तीनों के लिए अप्लाई किया है तो आपको अलग अलग फिजिकल देना पड़ेगा, अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अलग अलग ही इनका मेडिकल होगा। यानी ये नहीं है कि आपने एक के लिए कर लिया तो तीनों के लिए मान्य है, नहीं, तो तीनों का ही अलग अलग वो सारा चीज़ें होंगी, ठीक है, ये चीज़ इस पॉइंट में इन्होंने बताई है। और इसके बाद जो अगले पॉइंट में इन्होंने बताया कि वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टोकन नंबर वगैरह दिया जाएगा, और जो चेस्ट नंबर, ये सारी चीज़ें तो आपको वहाँ पे बता दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नोटिस आप पढ़ना चाहें तो डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी प्रतिबंधित दवाएं, जो ड्रग्स वगैरह लेके जाते हैं वहाँ पर, आपको पता है कि कुछ मेडिसिन आती हैं, तो वो भी नहीं लेनी है आपने, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, फिजिकल से पहले आपने ऐसी कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं लेनी है। तो वहाँ पर आपको जो है फिंगरप्रिंट वगैरह आपके लिए जाएंगे, आपका फ़ोटो जो है वहाँ पर वो भी लिया जाएगा, और बायोमेट्रिक वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी जो कि वहाँ पर होंगी, तो वो सारी आपको बातें वहाँ पे जाने के बाद भी बता दी जाएंगी। और आप यहाँ पे चाहें तो पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं नोटिस, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दे रखा है। तो जो भी ये फिजिकल क्लियर कर लेगा उसको जो है एक पर्ची दे देंगे, जो वहाँ पे प्रिंटेड, कि हाँ आपका फिजिकल जो क्लियर हो गया है, उसके बाद ही आपको अगले प्रोसेस में भेजा जाएगा। यानी इसके बाद जो आप जो भी आपका एग्ज़ाम है या फिर और जो भी प्रोसेस रहेगा उसके लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, एक बार नोटिस को पढ़ जरूर लेना, इसका लिंक दे दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये पूरी अपडेट थी, अगर अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।